दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में अब शांति का माहौल है। वहीं हिंसा में आप पार्षद की भूमिका को लेकर भाजपा और आम आदमी पार्टी आमने सामने आ गए हैं। उत्तर पूर्वी दिल्ली के हिंसाग्रस्त इलाकों में से एक करावल नगर इलाके में पार्षद ताहिर हुसैन के घर क्राइम ब्रांच की एसआईटी टीम जांच के लिए पहुंची। सुरक्षा के लिहाज से बिल्डिंग के आसपास के क्षेत्र को पुलिस ने सील कर दिया। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी एसएन श्रीवास्तव को दिल्ली के पुलिस आयुक्त का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। श्रीवास्तव रविवार से कार्यभार संभालेंगे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने कथित रूप से नफरत फैलाने वाले भाषणों को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी समेत अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की। अदालत ने इस पर केंद्र, दिल्ली सरकार और पुलिस से जवाब मांगते हुए नोटिस जारी किया है। यूपी विधानसभा में उत्तर प्रदेश लोक सेवा विधेयक 2020 पारित हो गया। इससे आयोग की ओर से की जाने वाली भर्तियों में भी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया जाएगा। महाराष्ट्र में मुसलमानों को सरकारी स्कूल और कॉलेज में 5% आरक्षण को उद्धव कैबिनेट ने हरी झंडी दे दी है। मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि जल्द ही इस आशय का कानून विधानसभा से पारित किया जाएगा। वित्त मंत्री मनप्रीत सिंह बादल ने पंजाब सरकार का साल 2020 और 21 का बजट पेश किया। ये पंजाब की कांग्रेस सरकार का चौथा बजट है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता और पाटीदार आंदोलन के प्रमुख हार्दिक पटेल की गिरफ्तारी पर 6 मार्च तक रोक लगा दी है। कोर्ट ने आंदोलन के दौरान हिंसा के मामले में कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को 6 मार्च तक के लिए अग्रिम जमानत दे दी। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरा टेस्ट शुरू होने से ठीक पहले टीम इंडिया को एक बड़ा झटका लगा है। पहले टेस्ट में 5 विकेट चटकाने वाले ईशांत शर्मा फिर से चोटिल हो गए हैं। उनका क्राइस्टचर्च में खेलना मुश्किल है। दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच खत्म हुई T20 सीरीज के बाद ICC ने गुरुवार को ताजा रैंकिंग जारी कर दी है। नई रैंकिंग में टीम इंडिया के विकेटकीपर बल्लेबाज KL राहुल की रैंकिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।